तेलंगाना के हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत स्थित एनटीआर नगर इलाके में एक विशेष अभियान के तहत कुल 4 लाख रुपए से ज्यादा के गुटखे तथा पान मसाले जब्त किए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस प्रशासन द्वारा चलाए गए इस विशेष अभियान के तहत इलाके के ही सुभान खान और प्रकाश राव नाम के व्यक्तियों के यहाँ छापेमारी की गई। इस छापेमारी में 3 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम इमरान मोहित और अब्बास बताया जा रहा है। छापेमारी के दौरान आरोपियों के पास से एक अवैध टेम्पो को भी जब्त किया गया है। हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ तस्करी का मुकदमा दायर कर लिया है और इस मामले में जल्द कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। सामने हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में हमारे को क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिला, हमारा हुमायूं नगर एरिया में एक एनटीआर नगर बोल के एक कॉलोनी में एक गुडाउन में और बैंड टोबैको आइटम्स जर्दा और पान मसाला वगैरह वो गुडाउन में रख के वो सर्कुलेशन के वास्ते रेडी रखे बोल के इन्फॉर्मेशन मिला। वो इन्फॉर्मेशन के बारे में हम हमारा ऑफिसर्स को ब्रीफ करके एज पर लॉ प्रोसीजर फॉलो करके वो गोडाउन को रेड करा। वो टाइम में वो गोडाउन के पास उसका सेल्स एग्जीक्यूटिव है सुभान खान बोल के उन्होंने, वो ड्राइवर है, वो ड्राइवर का नाम प्रकाश राव, उन थोड़ा अबाउट 15 गन्नी बैग्स है, वो गन्नी बैग्स को टाटा एस गाड़ी में लोड करके सर्कुलेशन करने के वास्ते निकलने का रेडी है। इमीडिएटली हमारा ऑफिसर्स वो राइड करके उसको पूरा सीज करके वो लोगों के ऊपर केस रजिस्टर करे। बाद में हमारा को मालूम हुआ इंटरोगेशन में। हैदराबाद से मोहम्मद जियाउद्दीन की रिपोर्ट।